धर्म परिवर्तन के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि आज हमारा समाज जो कम होते जा रहा है, जो समाज को जो जो हमारे सहूलत मिलना चाहिए वो समाज को नहीं मिल रहा है, हमारा जो जो मिलना चाहिए वो कोई और लेके जा रहा है। हमारे जो कोई भी जो लोग जाते हैं बेनिफिट्स के लिए उनको हकाला जाता है बाहर, बाद में आओ, तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा काम बाद में देखेंगे, ऐसा करते हैं। और जुल्म में हमारे बच्चों को अंडे खाने पे मजबूर कर रहे और मतांतर कर रहे, ये सब रोक दिया जाए। मगर जैन धर्म के साथ ही अन्याय हो रहा है। आज भारत देश के अंदर हम 1 करोड़ नहीं है, आज 50 लाख के अंदर ही है हम लोग, फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जो महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उन वहां तक उनका जो भी कुछ हक है उनके तक नहीं पहुंच जाता, वो हक और कोई लेके जा रहा है। वो अगर इस तरह का अगर हमारे समाज के साथ न्याय हो जाएगा तो हमारे पास कोई भी धर्म परिवर्तन भी नहीं करेगा। मेरा नाम कुमार पाटिल, मैं जैन धर्म के समुदाय की ओर से बात कर रही हूँ। आज हमारा जैन समाज इतना तकलीफ में है, वो कोई भी नहीं सोच रहा है, कोई भी से पहले सरकार नहीं सोच रही है। सरकार को चाहिए कि हमको सभी सुविधाएं दे, और स्कॉलरशिप की हो, श्रम शक्ति हो, और कोई भी दूसरे समुदाय में पंडितों के लिए और जो भी अर्चक रहते हैं उनके लिए व्यवस्था है, हमारे समाज में उसके लिए व्यवस्था नहीं है। आज हमारे मंदिर की जो पंडित है वो गुजर गए, दोनों गुजर गए, लेकिन उनके परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है। ऐसे उन लोगों को भी बेनिफिट चाहिए, बहुत सारे बेनिफिट्स है। आयोग में जो अल्पसंख्यक आयोग में है वहाँ दूसरे समुदाय के हैं, हमारे समुदाय को कोई भी वहाँ जगह नहीं है। हमारे जो कोई भी जो लोग जाते हैं बेनिफिट्स के लिए उनको हकाला जाता है बाहर, बाद में आओ, तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा काम बाद में देखेंगे, ऐसा करते हैं। इससे अच्छा है कि सरकार इसके बारे में सोचे, हम सबको हमारी सुविधाएँ दे। और जुल्म में हमारे बच्चों को अंडे खाने पे मजबूर कर रहे और मतांतर कर रहे, ये सब रोक दिया जाए, इस सब पे विरोध किया जाए। और हमारे समुदाय को इतना अहिंसा और मांसाहार हमारा समाज है, इसको हमको कायम रखने दे। जय जिनेंद्र, सोनाली कुलच की। सर, आज भारत देश विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है, और भारत देश के लिए जैन धर्म शांति का संदेश पूरे दुनिया के अंदर आज भारत देश फैला रहा है। ये जैन धर्म का सिद्धांत है, मगर जैन धर्म के साथ ही अन्याय हो रहा है। पूरे भारत वर्ष में हमारे जैन लोगों की जो परंपरा जो है, जो अहिंसावादी परंपरा है, और हमारे जो कम्युनिटी है आज भारत देश के अंदर सिमटती जा रही है। समझो, आज भारत देश के अंदर हम 1 करोड़ नहीं है, आज 50 लाख के अंदर ही है हम लोग, फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा हक और कोई लेके जा रहा है। हम सरकार से विनंती करते हैं कि सरकार हमारा हक हमको दे, सरकार हमारा बच्चों का हक हमारे बच्चों को दे, सरकार जो एजुकेशन में जो भी सरकार के तरफ से जो भी मुनाफा मिलता है, जो भी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलता है, ये हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। हमारे जैन धर्म के अंदर जो महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उन वहाँ तक उनका जो भी कुछ हक है उनके तक नहीं पहुँच जाता, वो हक और कोई लेके जा रहा है, वो हक जो है जो मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम सभी लोग इकट्ठा होकर आपसे विनंती कर रहे हैं कि हमारा जैन समाज का जो भी हमारा हक है हमको दीजिए। बस इतना ही मैं बोलता हूँ। धर्म परिवर्तन के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि आज हमारा समाज जो कम होते जा रहा है, जो समाज को जो जो हमारे सहूलत मिलना चाहिए वो समाज को नहीं मिल रहा है, हमारा जो जो मिलना चाहिए वो कोई और लेके जा रहा है। इसीलिए हमारे धर्म की निगाहें किसी और तरफ जा रहे, समझो, हमारे लोग दूसरी तरफ भाग रहे, समझो। तो मैं विनंती करता हूँ कि हमारे लोगों को भी सुदृढ़ बनाए, जो हमारे जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके भी आगे आने का मौका दीजिए। वो अगर इस तरह का अगर हमारे समाज के साथ न्याय हो जाएगा तो हमारे पास कोई भी धर्म परिवर्तन भी नहीं करेगा। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम कुमार पाटिल।